तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चले फिर बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल ये बोला गया है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है वायु का, बर्फ का, सी में दिया गया है कांच का, और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है हीरा का। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71 को दिखा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, वहीं पे अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी पूछा जाएगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा और अपसारी पूछा जाएगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 72 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा गैस है जिसके माध्यम से चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए तो उस चूने के पानी को दूधिया पानी कर देता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है टाइटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 73 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, टमाटर एक ऐसा सब्जी है जिसमें टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 74 कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पिछले बार ये मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जिप्सम का जो आण्विक सूत्र रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 × 1/2 H2O होता है, जिसे हम लोग CaSO4 × 2 H2O भी कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप ना याद करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का याद करना हमारे हिसाब से तो बेवकूफ़ी ही होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि याद नहीं किया जाता बल्कि समझा जाता है, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत सारे तत्व को अलग अलग चेंज करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए बनाइएगा कैसे, इसका आंसर आसानी तरीके से कैसे निकलिएगा। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन अभिक्रिया करने के लिए बोल रहा है उसी प्रकार से हम अभिक्रिया करेंगे तो हमारा आंसर आसानी तरीके से आ जाएगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा है जिंक, तो जिंक को हम लोग संकेतिक चिन्ह जानते हैं ZN होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ पे होता है H2SO4। तो जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ZN क्या करता है SO4 के साथ मिल जाता है, यानी ZnSO4 बन जाता है और प्लस में यहाँ पे H2 गैस यहाँ पे निकलने लगता है। तो बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो जब भी हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, H2 यानी हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में बोला गया है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, पिछले वाले पार्ट में इसका सोल्यूशन हम लोग किए थे। तो अमीबा जो है ना, ये एक कोशिकीय जीव है जो कूटपात के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्यधानी में ले जाता है और अमीबा क्या करता है, वहीं पे इसका भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है और अनपचा भोजन अमीबा के त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में बोला गया है कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, यानी वह कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ए और सी दोनों हो जाएगा, पेप्सिन और लाइपेज।
उसके बाद में अगला सवाल है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वायवीय श्वसन से। अगर आप मेरा साइंस का फुल एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर का पार्ट देखे होंगे तो उसमें हम बता दिए थे कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होने की बात करेंगे तो वायवीय श्वसन हो जाएगा, कम ऊर्जा मुक्त होने की बात करेंगे तो वैसे स्थिति में अवायवीय श्वसन हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे 79 को देखिए। 79 कहता है कि मछली का श्वसन अंग है। काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो ज़रूर मालूम होगा। यहाँ पे पूछा गया है मछली का श्वसन अंग क्या होता है। तो दोस्तों मछली का श्वसन अंग जो होता है उसे हम लोग ट्रैकिया नहीं बल्कि गिल्स कहते हैं। वहीं पर बात करेंगे मच्छर के श्वसन अंगों के बारे में, तो मच्छर का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है, मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। और बात करेंगे केचुआ के श्वसन अंगों के बारे में, तो केचुआ का श्वसन अंग त्वचा हो जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 80 को देखिए। क्वेश्चन 80 क्या कहता है, ये कह रहा है कि स्टोमा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है। आप सभी को मालूम हो गया कि मनुष्य के शरीर में जो एस्टोमा होते हैं ना, ये खुलते हैं और बंद होते हैं, तो खोलने और बंद करने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो ये द्वार कोशिकाएं करते हैं। यहाँ पे कुछ मैसी का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वार कोशिकाएँ। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। आप सभी को बता दें कि जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। वहीं पे ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की बात करें तो उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और मनुष्य के सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ना, वो न्यूरॉन होती है, जिसे हम लोग तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्सर्जी अंग के माने तो उत्सर्जन करने वाले तंत्र का नाम आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ब्रिक का कार्य ही होता है मनुष्य में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बने अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन करना, उत्सर्जन कहलाता है। उस उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो यूरिया होता है, मल मूत्र गोबर होता है, यूरिक अम्ल होता है, एमिनो अम्ल होता है, और ये सब काम कौन सा नियंत्रित करता है, तो ये ब्रिक करता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 83 को देखिए। क्वेश्चन 83 कहता है कि एंड्रोजेन क्या है। हे दोस्तों एंड्रोजन है ये क्या है, तो ये एक नर लिंग हार्मोन भी है, मादा लिंग हार्मोन भी है, पाचक रस भी है, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 83 का सही जवाब क्या होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल कहता है विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रा क्या होता है। पिछले पार्ट में हम लोग जाने थे कि ओम जो होता है वो विद्युत के यानी प्रतिरोध का सही मात्रक होता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध का सही मात्रक नहीं बल्कि आपसे पूछ लिया गया है कि प्रतिरोध नहीं बल्कि प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है। दोस्तों प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, वहीं पे बात करेंगे प्रतिरोधकता के सही मात्रक के बारे में, तो ये ओम प्रति मीटर होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 85 को देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसके लिए आपको चार धातुओं का नाम दे दिया गया है। पहला है चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। तो यहाँ पे विद्युत में सबसे ज़्यादा अच्छा चालक की बात करेंगे तो उस धातु का नाम है चांदी। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चांदी। उसके बाद में क्वेश्चन 86 को देखिए। क्वेश्चन 86 कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। अगर इसका सलूशन नहीं देखेंगे तो हमारे चैनल पे आज भी मौजूद है कि आस्टर्ड के प्रयोग का वर्णन करने के लिए एक हम वीडियो बनाए थे, मात्र 4 मिनट के अंदर में ही आस्टर्ड महोदय के प्रयोग का वर्णन किए थे, जो आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं या यूट्यूब में सर्च कीजिएगा आस्टर्ड महोदय के प्रयोग का वर्णन बाई मैथ मैजिकटिव चैनल, तो आपको मेरा वीडियो यूट्यूब में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। साथ ही कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए या आप हमारे वेबसाइट questionforexam.com पे जरूर विजिट कीजिए। तो दोस्तों आस्टर्ड महोदय के द्वारा ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया गया था।
उसके बाद में क्वेश्चन 87 कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर का जो काज है वो कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो आप सभी को बता दें विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 87 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कौन, तो विद्युत का मोटर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। पहला ऑप्शन में दिया है Al जिसे हम लोग एल्युमिनियम के नाम से जानते हैं, Zn यानी जिंक, Fe जिसको हम लोग फेरन कहते हैं अर्थात लोहा, डी में दिया गया है Mg जिसे हम लोग मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। तो सबसे कम अभिक्रियाशील की बात करेंगे तो यहाँ पे Fe हो जाएगा, फेरम अर्थात लोहा। लोहा दोस्तों सबसे ही कम अभिक्रियाशील धातु है और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा कार्बन का संकेतिक चिन्ह 6 होता है, इसका परमाणु संख्या संकेतिक चिन्ह सी होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। इसका संयोजकता की बात करें तो इसका संयोजकता दोस्तों 2 और 4 होता है। उम्मीद है इसका भी सोल्यूशन आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 90 को देखिए, क्वेश्चन 90 कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब एल्काइन हो जाएगा, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप सभी को मालूम होगा कि हाइड्रोन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन के कुल 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एल्काइन। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही मजेदार तथा काफ़ी इंपोर्टेंट है, मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस सवाल कई बार पूछा जा चुका है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है। कई बार मैट्रिक एग्जाम में इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि एल्कोहल अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एथेनॉल अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में एकल बंधन OH जो होता है इस अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग एथेनॉल या एल्कोहल भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में एकल बंधन CHO दिया गया है, तो एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। एकल बंधन COOH की बात करें तो एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग अम्ल कहते हैं, और यहाँ पे लेस देन जो CO दिखाई दे रहा है इस अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग कीटोन कहते हैं। तो चारों ऑप्शन में 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं और चारों क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब एकल बंधन OH होगा, यानी एथेनॉल अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग एकल बंधन OH के नाम से जानते हैं। अगला सवाल कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल सवाल है, जब भी किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन की अभिक्रिया कहते हैं, और कम होती है तो अपचयन कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद में क्वेश्चन 93 को देखिए, क्वेश्चन 93 कहता है अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो आप सभी को बताए थे हम पिछले वाले पार्ट में कि फ्रांस के HB सोरेंस महोदय नामक एक वैज्ञानिक का नाम है जिसके द्वारा pH नामक स्केल का आविष्कार किया गया था। इस स्केल की खासियत ये है कि इसके द्वारा हम किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता को मापते हैं। दोस्तों इस ये जो स्केल है ना, इस पे 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहता है। यदि किसी विलयन का pH मान 1 से 7 के बीच में आता है तो वह pH मान अम्लीय कहलाता है, 7 से लेकर 14 के बीच में आता है तो वह क्षारीय कहलाता है, लेकिन 7 या 7 के बराबर आता है तो वो उदासीन कहलाता है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है अम्ल का pH मान क्या होता है, तो अभी तो जान ही चुके हैं अम्ल का मतलब 7 से कम वाला, तो 7 से कम जिसका भी pH मान होगा वो सब विलयन अम्लीय कहलाएगा। इसीलिए क्वेश्चन 93 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 94 को देखिए, 94 काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है, बोला गया है धोने वाला सोडा का आण्विक सूत्र क्या होता है। दोस्तों धोन सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम तो आज सभी को मालूम होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका आण्विक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
और यहाँ पे खाने वाला सोडा का बोला जाएगा तो Na2CO3 नहीं बल्कि NaSCO3 जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं वही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन होने लगता है, यह कौन सा अम्ल होता है। तो हम आप सभी को बता दिए थे कि चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल छोड़ता है, वो तो मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। मेथनोइक अम्ल को ही दूसरे भाषा में फार्मिक अम्ल कहा जाता है जो चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला सवाल के 96 को देखिएगा तो बोला गया है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा है वह कौन ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी एफ का मान प्लस लिया जाता है, उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। उसके बाद में अगला सवाल पूछ रहा है किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है, यहाँ पे हमसे आवर्धन का सही मात्रक पूछ लिया गया है। तो ना ही दोस्तों आवर्धन का मात्रक मीटर होता है, ना ही सेंटीमीटर होता है, ना ही मिलीमीटर होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक होता है ना वो मात्रक विहीन होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 98 को देखिए, क्वेश्चन 98 कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बोला गया कौन से माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा अधिक होता है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब हवा हो जाएगा। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब डी यानी हीरा होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 99 को देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो नेत्र यानी आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश के जितने भी किरण होते हैं उसका अधिकांश अपवर्तन जो हो जाता है ये कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन 99 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। उसके बाद में क्वेश्चन 100 को देखिए, क्वेश्चन 100 कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो जब आप सभी को बताया जाता है कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी कण ना होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। अब जाहिर सी बात है जब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा तो आकाश का रंग नीला के बजाय काला दिखाई पड़ने लगेगा, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, काला। उसके बाद में यहाँ पे विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक पूछा गया है, उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा आवेश का ऐसी मात्रक कूलाम होता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले थे क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर केवल 100 तक के यानी 30 ऑब्जेक्टिव सवालों का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।